नमस्कार साथियों, टीजीटी पीजीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इन क्लासेस में जैसा आपको पता ही है कि हम डिस्कस कर रहे हैं तीन सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी। तो अभी आज कल पिछले एक लेक्चर में आप जैसे फिजिक्स के आप कंटिन्यू लेक्चर कर रहे हैं, ऐसे ही आपके लिए कंटिन्यू में आपका कंटिन्यूटी में केमिस्ट्री के भी लेक्चर आपको मिलेंगे। अब आज का जो हमारा लेक्चर है वो किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड लेक्चर नहीं है। आज का हमारा लेक्चर रहेगा आपका पर्टिकुलर टॉपिक। टॉपिक क्या रहेगा हमारा आज का? टॉपिक रहेगा आज का बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो बेसिक ऑफ केमिस्ट्री को अगर हम देखें, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी है, क्या क्या चीज़ें हमें समझनी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, हम उन टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में कोई भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड होता है। जैसे हम जानते हैं केमिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो रिलेटेड हो सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन आपके किन टॉपिक्स में होगी, ये हमें देखनी है। तो आज का हमारा मेन टॉपिक यही रहेगा कि इन सारे चैप्टर को रिलेट करते हुए कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहला अगर हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे मोल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोल्स आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मोल्स। तो हमारा पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? मोल्स रहेगा। अब मोल्स के बारे में अगर हम समझें तो मोल होता क्या है? तो एक ये नंबर है, अगर आप नंबर की बात करें तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे नंबर को? नंबर का मतलब ये है कि ये एक वैल्यू है, कलेक्शन ऑफ नंबर है। इस कलेक्शन ऑफ नंबर में जैसे हमारे पास दर्जन होता है, तो दर्जन एक कलेक्शन ऑफ नंबर है, ग्रुप ऑफ नंबर है, जिसमें आपके टोटल वैल्यूज कितनी आती है? टोटल वैल्यूज आपकी आती है 12, ठीक है। ऐसे मोल्स के अंदर भी आपका कलेक्शन ऑफ नंबर है, इसके अंदर टोटल वैल्यू किसके इक्वल आती है? अवोगाड्रो नंबर के इक्वल आती है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं डेट इज इक्वल टू किसके होगा? अवोगाड्रो नंबर के, अवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? अवोगाड्रो नंबर के। अब अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू एक्चुअली में क्या होती है ये हमें देखना है। तो इसकी वैल्यू होती है, इसको पहले तो रिप्रेजेंट करते हैं एनए से, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 6.023 इंटू 10^23, ठीक है। और इसकी इस वैल्यू में आपको कहीं ना कहीं चेंजेस भी मिल सकते हैं। कुछ बुक्स में इसमें 6.022 भी देते हैं, कुछ बुक्स में इसमें 0.23 भी देते हैं, बट अपन फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी नॉर्म्स को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.23, है ना। अपन ज्यादातर क्वेश्चंस में यही यूज करेंगे 6.023 इंटू 10^23। दूसरा अगर हम इसकी बात करें तो पहला तो आपका अवोगाड्रो नंबर के बराबर इसमें क्या होने चाहिए? नंबर ऑफ एटम होने चाहिए या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होने चाहिए या कुछ भी कलेक्शन अगर इतने नंबर का है तो आप उसको क्या बोलेंगे? वन मोल क्वांटिटी बोलेंगे। ये एक फंडामेंटल यूनिट है, जैसा आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, कि जो अपने आप पे ही डिपेंड करती हैं, किसी की और के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उनको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। तो उन फंडामेंटल यूनिट में से एक फंडामेंटल यूनिट ये भी है। अच्छा, इससे अगले की बात करें तो सेकंड अगर हम जो पॉइंट हम यहां पे लिखना चाहते हैं वो सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? देखें, सेकंड पॉइंट इज इट इज अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये किसको डिफाइन करता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिफाइन करता है। तो लिख देते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये किसको डिफाइन करेगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिफाइन करेगा, यानी आपके पास जो भी चीजें हैं वो कितने अमाउंट में आपके पास हैं, कितनी हैं, उनको हम जो डिफाइन करते हैं वो फंडामेंटल यूनिट हमारी क्या होती है? मोल्स होती है। अब ज्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे, हम सीधे बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं कि भाई इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है ना। व्हाट आर द फॉर्मूलाज ऑफ दीज एंटिटीज, दीज क्वांटिटीज, इस क्वांटिटी के क्या क्या फॉर्मूले हैं हमारे पास? तो सबसे पहले अगर हम पहला फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूला अगर हम फर्स्ट लिखना चाहें, फॉर्मूला पहला फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहते हैं, डेट इज मोल्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्या हो जाएगा? मोलर मास, ठीक है। तो आपको किसी भी सब्सटेंस का जो मास आपको कॉन्सेप्ट में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है वो, और उसके डिवाइड में हम क्या लिखेंगे? मास, मोलर मास किसका? उसी सब्सटेंस का, ठीक है। अभी मैं इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा, शायद आपको जल्दी से समझ में आ जाए। तो इसको आप अंडर द बॉक्स कर दीजिएगा अच्छे से। तो इसका एक एग्जांपल लिखते हैं, इसका एक एग्जांपल समझेंगे ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए कि भाई ये फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे अपन, है ना।
तो आइए सबसे पहला हम इसके अंदर लिखते हैं क्वेश्चन, एक एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर देखते हैं कि हमें दिया हुआ है 88 ग्राम ऑफ CO2, यानी आपका कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, आपका 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है और आपको इसमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स। आप इसमें क्या कैलकुलेट करोगे, मोल्स कैलकुलेट करोगे। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है 88 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मोलर मास निकालने का जो तरीका है वो आपको पता होगा, एज यू नो कि भाई कार्बन है प्लस आपके पास दो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो कार्बन और दो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो एक कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12 और दो ऑक्सीजन के लिए एक का मास होता है 16, है ना। पीरियडिक टेबल अगर आपको एटम याद होंगे तो उसमें आपने देखा होगा। तो ये सॉल्व करके हमारे पास कितना आता है 44 और इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। तो यहां पे आपका 44 आया है तो इस 44 को आप यहां पे रखिए, इसकी यूनिट भी लिखिए ग्राम पर मोल। तो आपको पता है कि ग्राम और ग्राम कैंसिल आउट हो जाएंगे, 44 से 88 टू टाइम्स चला जाएगा तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 मोल। उम्मीद करूंगा ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपके। चलिए अगर हम सेकंड फॉर्मूले की बात करें, सेकंड फॉर्मूला देखें तो सेकंड फॉर्मूला हमारे पास क्या है, देखें इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान भी है सेकंड फॉर्मूला, डेट इज मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या आएगा, अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। आप क्या करोगे, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी हो सकता है, अगर आपको एटम दिया हुआ है, मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, कुछ भी दिया हुआ है, उसको आप क्या करो अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, देन यू विल गेट क्या मिलेगा आपको, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, है ना। इसमें तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही सस्ता सा एग्जाम्पल है, देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है 6.03023 इंटू 10^24 मॉलिक्यूल्स ऑफ, किसके ले लें मॉलिक्यूल, कोई भी आप ले लो, वाटर दे दिया आपका H2O, ठीक है। आपसे कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं वाटर के, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए बड़ा सरल हो जाएगा। इसको देखो, हमें फॉर्मूला पता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 6.023 इंटू 10^24 ये आपके पार्टिकल है, और अवोगाड्रो नंबर कितना होता है, ऊपर लिखा हुआ है 6.023 इंटू 10^23, तो इससे आप डिवाइड कर दो, 6.023 इंटू 10^23 से डिवाइड कर दो, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 23 से पावर जाएगी तो आपका क्या मिल जाएगा, आपका 10 मिल जाएगा। तो कितने मोल आपको मिल गए, 10 मोल मिल गए, किसके, वाटर के। तो ये जो 10 मोल आए ये आपके क्या है, वाटर के मोल आए हैं, और इससे आप क्या निकाल सकते हो, ग्राम वेट भी निकाल सकते हो, मास भी निकाल सकते हो, किसका, वाटर का। कैसे निकालोगे, फॉर्मूला ये वाला लगा दो, आपको क्या पता है, मोल पता है और वाटर का मोलर मास पता है, वाटर का मोलर मास कैसे निकालोगे, एच और दो ऑक्सीजन, एक एच का, दो एच और एक ऑक्सीजन, एक एच का कितना होता है एक, दो का कितना हो जाएगा दो, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो डेट इज इक्वल टू वाटर का जो मॉलिकुलर मास आएगा वो आएगा आपका 18, क्लियर। तो यहां पे आपकी जो n की वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आ गई, 10, और मास अगर निकालोगे तो 18 इंटू 10 डेट इज इक्वल टू 180 ग्राम आपका मॉलिक्यूल वाटर मिलेगा। तो ये तो दो फॉर्मूले हमारे पास हो गए, कौन कौन से फॉर्मूले हो गए, एक हमारे पास हो गया गिवन मास अपॉन मोलर मास, दूसरा फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय आपका अवोगाड्रो नंबर। एक और फॉर्मूला देखते हैं, यहां पे एक और फॉर्मूले को देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें भी आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी देख लेते हैं, है ना। अब इसमें थर्ड फॉर्मूले में क्या आपको मेहनत करनी है, क्या आपको फॉर्मूला लगाना है, ये देखें। मोल्स इज इक्वल टू, अगर आपको वॉल्यूम गिवन है, क्या गिवन है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, ये आपको गिवन है, किसी भी गैस का वॉल्यूम STP पे आपको गिवन है, तो आप उसको क्या करो, डिवाइड कर दो
22.4 लीटर से। तो 22.4 लीटर से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मोल्स मिल जाएंगे। इसका एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल आपको दिया हुआ है 44.8 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोल्स बताइए कितना आपका होगा। तो अगर आपको इसके मोल्स फाइंड आउट करने हैं, हाउ वी कैलकुलेट मोल्स, तो हमें क्या पता है, फॉर्मूला तो पता ही है बेटा। तो मोल्स इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, एसटीपी पे आपको वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 44.8 लीटर डिवाइडेड बाय कितने से डिवाइड करना है, 22.4। तो 22.4 लीटर से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट कितना मिल जाएगा, दो मोल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टू मोल्स मिल जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि ये तीन फॉर्मूले आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इन तीन फॉर्मूलों से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ, क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी फॉर्मूले हैं जो जनरली आप यूज कर सकते हो। क्या फॉर्मूले हैं, जैसे एक और देखो, चौथा फॉर्मूला भी देख लो, आपके यूज में आ जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं आ जाए तो कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक और फॉर्मूला, मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो अगर आपने मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया तो भी हमारे पास क्या आएगा, मोल्स आ जाएगा। एक ये फॉर्मूला है, आपको इसको अंडर द बॉक्स करना है, कर लीजिए। एक ये फॉर्मूला अंडर द बॉक्स कर लेना, ठीक है। एक कौन सा फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला अंडर द बॉक्स कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास चार फॉर्मूले हो गए जो जनरली आप यूज करेंगे, किसके लिए, मोल्स कैलकुलेट करने के लिए। इन सब में सबसे ज्यादा जो यूज किया जाएगा वो आपका फर्स्ट फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और आप जब रेडॉक्स पढ़ेंगे या फिर आप मिक्सिंग पढ़ेंगे तब आप कोई फॉर्मूला यूज करेंगे, डेट इज इक्वल टू मोल्स इज इक्वल टू नॉर्मैलिटी इनटू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है।